Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Ninanve Dharana me kaha tha, Sarvatra Bhairavo Bhavaha Samanyeshu Apigocharaha Nacha Tadvyatirekena Paraha Asti Iti Advayagatihi. Yahan hum aaye the kal. Sarvatra Bhairavo Bhavaha. Dekho, sadhana teen prakar ki hoti hai. Ek to jo kriya pradhan sadhana hai. ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो ये मत करो वो मत करो क्रिया प्रधान साधना. दूसरी होती है भावना प्रधान साधना और तीसरी होती है ज्ञान प्रधान साधना. तीन बात हो गई. हमारा व्यक्तित्व भी तीन जगह में बटा हुआ है, शरीर से क्रिया, मन से भावना और बुद्धि से ज्ञान. तो यहां जो बता रहे हैं सर्वत्र भैरवो भावः, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा जगत दिखता है. और ये हमारी यही भावना है कि हम देह है और हम अच्छे हैं, लोग हमको समझते नहीं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों मुझे लोग नहीं समझते, ये अपनी भावना ही है. अब यही भावना को एक्सटेंड करो कि सभी में परमात्मा का दर्शन करने की भावना. अब कैसे होगी? हो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. सब में परमात्मा की भावना करनी माने का सर्वत्र समदर्शिनः. ये समत्व को इतना क्यों महत्व दिया है? आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, इहैव तैहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः. परमात्मा निर्विरोध निर्विशेष सत्ता मात्र है और इसीलिए परमात्मा के दृष्टि से देखा जाए तो कोई पापी नहीं, कोई पुण्यवान नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं. लेकिन जहां हम अपने व्यक्तित्व में आ गए, व्यक्तित्व में आने के बाद फिर मैं तू 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 मैं पूरा संसार प्रारंभ हो जाता है. तो यदि हमको साधना करनी है तो हमको अपने मन को इस प्रकार से समझाना है. क्या समझाना है? सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येषु अपि गोचरः, सभी में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है. अब ये जो भावना और ज्ञान, इन दोनों को समझ लेंगे. भावना से हम अलग अन्य को या अलगता को देखते हैं, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, समझदार है, बेवकूफ है, अच्छे है, बुरे है, सब समझ लिया. ये जानते हुए भी सब में समानत्व का हम अभ्यास करते हैं, पहली बात. अब दूसरी प्रकार की जो समत्व की बात है, समत्व की बात कैसी है ध्यान से सुनना. वही उदाहरण में आपको हजार बार दे रहा हूं, एक आध दिन क्लिक हो जाए भगवान की दया से तो बढ़िया होगी. दृष्टि के लिए सभी रूप रंग समान है, माने क्या दृष्टि बेवकूफ है? लाल को भी प्रकाशित करती है, पीले को भी करती है, तो क्या दृष्टि के लिए भेद नहीं है? भेद है, लेकिन भेद भाव नहीं है. देखो, जब तक के हम इस भेद भाव को नहीं मिटाएंगे तब तक के हम केवल संसार में ही फंसे. तो ये हो गया भावना का अभ्यास. तो इसमें हम भाव भेद को देखेंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे. ये कैसे हो सकता है?
जब हमने ये स्वीकार किया कि सबसे बड़ी साधना है अपने मन के संतुलन को नहीं बिगाड़ना, किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन के साथ नहीं खेलना है, मन का संतुलन सर्वोपरि है, और ये अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं होता। अब दूसरी प्रकार की यही समत्व की भावना, मन के लिए सभी इंद्रिय समान है। पहले क्या देखा हमने, इंद्रियों के लिए सभी विषय समान है। अब थोड़ा ऊपर उठे, मन के लिए सभी इंद्रिय समान है। कारण क्या? कारण यही है कि मन को पता है मैं ही सब में प्रकट हो रहा हूं। और इसीलिए मन के लिए आंखें अच्छी है, कान खराब है, नाक अच्छा है और त्वचा खराब है, नहीं, माने जहां सबको हमने मैं में इंक्लूड किया है तो वहां राग द्वेष अपने आप मिट जाता है। सबको मैं में इंक्लूड करना, और जब हम किसी को मैं में इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है? उसका एक ही प्रभाव है, जिसको जिसको हम मैं के रूप से स्वीकार करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। और इसीलिए मैं प्यार करता हूं ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। देखो, कभी हमने ये कल्पना की क्या मैं आंखों से प्यार करता हूं? नहीं, जितनी आंखें हैं उतने ही कान है। समत्व, सबके प्रति समानता तब होगी जब हमने सबको मैं में स्वीकृत किया है। एक उदाहरण में दिया था आपको, याद होगा, नहीं होगा तो अच्छा है। एक बार एक लड़की बंबई के, दिल्ली की बात है, सत्संग में आती थी और सामने बैठती थी। तीसरे दिन या ऐसे ही कहीं हम ब्रेकफास्ट के लिए गए तो वहां भी टपकी हो। तो मैंने कहा तू यहां भी आ गई, यहां सत्संग नहीं है, यहां ब्रेकफास्ट है, तुमको बुलाया था क्या? बोले नहीं स्वामी जी, ये मेरा ही घर है। बोले फिर ठीक है, रह लो। फिर उसको कहा कि तुम ऐसे करो, मम्मी को करने दो जो करना है, अब तुम ये करो, मेरे पास बैठो। और फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून, शूर्पणखा जिसको कहते हैं ना, वैसे जो सूप होता है उसको शूर्प कहते हैं, नख माने नेल्स, जिनके नाखून सूप के जैसे होता है नोचने के लिए, शूर्पणखा। तो मैंने देखा इतने लंबे लंबे नाखून लाल रंग के, हमने कहा तुम लोग क्या खाते हो, तुम्हारे नाखून इतने लाल हो जाते, लंबे हो जाते, कोई टॉनिक है क्या? हमारे होती नहीं बड़े। अरे स्वामी नहीं, नहीं बताओ बताओ, मुझे ज्ञान चाहिए। बोले हम रंग लगाते और कैसे बढ़ते हैं? बोले हम उनको मेंटेन करते हैं, बढ़ते तो है वो, लेकिन उनको मेंटेन करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है, दिन भर बैठे बैठे फाइलिंग करते रहते हैं। और उसके पश्चात ब्रेकफास्ट कर लिया, चले गए। दूसरे दिन वो आई सत्संग में फिर, और आके बैठने के बाद अपने नाखूनों को ऐसे छुपा के बैठी थी। तो मेरा ध्यान वही सत्संग में भी। फिर सत्संग के बाद उसको पूछा मैंने, आ जा इधर, यही दिखा तेरे हाथ। नहीं नहीं स्वामी ने दिखा नहीं, किसी दिखा दी, सब नाखून काटे थे। क्यों काट दिए तुमने? स्वामी जी मुझे बड़ा अटपटा लगा था। मैंने कोई बात नहीं, कहाँ फेंके हुए नाखून मुझे देना, मुझे बड़े अच्छे लगे, मैं इसको प्रेम करके लगाऊंगा। स्वामी जी मैंने फेंक दिए। अब ध्यान से सुनना, जब वो नाखून मैं इस परिभाषा में इंक्लूडेड थे तो वो सुंदर थे, अच्छे थे, उससे प्यार था। वही नाखून निकल गए मैं के परिभाषा से तो वो कचरा हो गए। ये इस धारणा का अर्थ है, जिसको जिसको हम मैं की परिभाषा में रखते हैं उसके प्रति मन में घृणा नहीं आ सकती।
ये बात बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसा हम अपने आप को देखते हैं, हम कैसा देखते हैं अपने आप को, जब हम खुश है तो चाहते हैं हमारे साथ लोग भी खुश हो जाए, इसीलिए शादी के लिए सबको बुलाते हैं, क्योंकि उसी दिन हम खुश होते हैं। उसके बाद फिर डाइवोर्स का प्रॉब्लम आया तो सबको बुलाते हैं क्या, अच्छा जो जो मेरे शादी में आए थे प्लीज आ जाना, अब मेरा डाइवोर्स हो रहा है। हालांकि डाइवोर्स की बात दुख की नहीं है तो खुशी की होती है, ज्यादा खुशी होती है शादी से भी, जिन्होंने किया उनको पूछ के देखो। महाराज तो सुखम वा यदि वा दुखम, जब हमारा कोई सुख का अनुभव होता है हम चाहते हैं सब उसमें शेयर करें, और दुखम जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम चाहते हैं किसी से दो प्रेम के शब्द मिले, सांत्वना मिले। इसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी होता है और दूसरे के दुख को निवारण करने का प्रयत्न करता है उसको योगी कहते हैं। और ये कब संभव होगा, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति, जैसा हम अपने को स्वीकार करते हैं मैं के रूप में, इसी प्रकार से सबको यदि हमने अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड कर लिया तो सब कुछ हमने पा लिया है। अब इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दें। ये एक्सपेरिमेंट हमने एक बार एक स्कूल में लिया था, दिल्ली की स्कूल, हमको बुलाया था लेक्चर के लिए, और प्रिंसिपल दिल्ली के वैसे ही भयानक लोग होते हैं, दिल्ली में एक भी आदमी काम का नहीं है। तो वहाँ हम जब गए स्कूल में लेक्चर के लिए तो बच्चों ने ढांढ 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 शुरू कर दिया टेबल ठोकना, और वो प्रिंसिपल बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया। स्वामी जी पता नहीं कितना भाई चुप शांत शांत, बट बच्चों की मानती नहीं उसकी, मैं तुम शांत हो जाओ तुम क्यों परेशान हो रहे। उनके साथ मैंने भी शुरू कर दिया ढंग, अब उनको लगा कि मैं रिएक्ट करूंगा, तो फिर मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया और मैंने कहा देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, मैं छोरा गंगा किनारे वाला, मुझे कुछ आता नहीं, तो आप धीरे धीरे मुझे समझाओ, ठीक है। फिर मैंने एक सेंटर पॉइंट रखा और एक रेडियस निकाली, समझो एक इंच या एक फुट की, और फिर निकाल करके एक पूरा सर्कल किया, और ऐसी कुछ भगवान की लीला, वो जो सर्कल किया मैंने ऐसे ही फ्री हैंड 100% परफेक्ट, जैसे वो हुआ सभी बच्चों ने ताली बजाई, अरे इतना परफेक्ट कैसा आया, मुझे भी आश्चर्य आश्चर्य बट पश्यति कश्चित। फिर मैंने कहा अब आपने सर्कल देखा है, बोले हाँ, अब मैं दूसरी रेडियस निकालता हूं, दूसरी निकाली थोड़ी लंबी, उससे दूसरा सर्कल निकाला, ठीक है, बोले हाँ। फिर तीन चार सर्कल निकाले, फिर मैंने मुझे बताओ इमेजिन इफ द रेडियस इज 1 meter और 1 inch, दिस इज द सर्कल, व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस। तो उन्होंने कुछ गणित बताया, मुझे मालूम नहीं, कोई पाए हाथ कुछ तो भी होता है वहां, क्या होता है, यहाँ कोई है क्या जानने वाले, पाए पाए आर स्क्वायर, तो उसने बताया पाए आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा, तो आर इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दूसरी 2 inch की, फिर पाए आर रेडियस, करते करते हमने कहा अब इमेजिन इफ आर इज इंफिनिट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एरिया इंक्लूडेड इन दैट सर्कल। सभी के सभी चुप, यार मुझे बताओ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, समझाओ जरा।
फिर मैंने आया समझ में, बोले नहीं समझ भी नहीं आ रहा क्या उत्तर दे। हमने कहा देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये हमने तीन चार सर्कल बनाए, ये तीन चार सर्कल का सेंटर एक ही है ना कि अलग अलग है? सेंटर तो वही है, रेडियस के अनुसार उसमें अनेक सर्कल हमने ऐड किए हैं, तो वो जो अनेक सर्कल ऐड किए हैं इसका प्रभाव सेंटर पर पड़ता है क्या? लेकिन क्या कोई सर्कल बिना सेंटर के हो सकता है? अब आखिरी प्रश्न हमने उनको कहा कि यदि इन्फिनिट हो रेडियस तो क्या होगा? इट विल बी ए सर्कल विदाउट ए सर्कमफरेंस। नाउ सच ए सर्कल विल बी विदाउट ए सर्कमफरेंस, वेयर विल बी द सेंटर? सेंटर विल बी एवरीवेयर बिकॉज इट इज नो मोर कंडीशन बाय ए सर्कमफरेंस। यही बात यहां है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? मैं, मेरी बीबी 1 मिलीमीटर, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीबी सेकंड सर्कल, मैं, मेरा चौथा बच्चा, मैं, मेरा सौवां बच्चा, करते जाओ बच्चे पैदा। सेंटर तो वही है मैं, उसके पश्चात अब धीरे धीरे बढ़ो, अब बच्चों को मारो गोली, अपने माँ बाप, बीबी के माँ बाप, और रेडियस बढ़ गया, फिर मैं और मेरा महाराष्ट्र और बड़ा सर्कल हो गया, और मैं, मेरा देश भारत और बड़ा सर्कल बन गया, मैं, पूरा एशिया और बड़ा सर्कल बन गया, मैं, रेडियस की वैल्यू ऑल ह्यूमैनिटी, मैं, रेडियस ऑल क्रिएशन। व्हाट विल बी द सर्कमफरेंस अल्टीमेटली? सो यू आर ए सेंटर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड यू एक्सक्लूड नथिंग। इसको कहते हैं सर्वत्र भैरवो भावः। जब तक मैं नहीं तब तक कुछ नहीं। जिसने इस मैं को ऐसे समझ लिया है, मां का बेटे के प्रति प्रेम क्यों होता है? क्योंकि मां का अनुभव क्या है, ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है, अन्य की प्रतीति हो रही है, अन्य का भाव है, लेकिन भेदभाव नहीं है कि ये मेरे से अलग है। और इसीलिए मां को सिद्ध नहीं करना पड़ता कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और उसी प्रकार से बच्चे को भी सिद्ध नहीं करना पड़ता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन ये जब माताएं सास बन जाती है ना, तब उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कोरोना कौन सा चल रहा है आजकल, वायरस आ गया, और फिर उसमें क्या है कि बच्चा थोड़ा ज्यादा अपने बीबी के साथ घूम रहा, बात कर रहा है, तो माँ को गुस्सा आता है, मेरी तो जरूरत ही नहीं इस घर में, तो जाओ ना फिर बालू में। तो देखो ये बात सरल समझ लो, जो माँ चाहती है कि बच्चा ये प्रूव करे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला जाला। देखो महाराज, ये है भावना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी शुनि चैव स्वपा केचम पंडिता समदर्शिना। अब इसको और सूक्ष्मता से देखो, इतने विषय है, उनकी सबकी सत्ता इंद्रियों में है, जितने इंद्रिय है उनकी सत्ता मन में है, जो मन है
उनकी सत्ता बुद्धि में है, जो बुद्धि है उसकी सत्ता चेतना में है, जो चेतना है या परमात्मा के अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है, तो सारी जड़ चेतन दोनों परमात्मा की शक्ति का ही आविष्कार है, और यह परमात्मा की शक्ति परमात्मा से अलग होके नहीं रह सकती, तो सब कुछ परमात्मा ही है। अब किससे द्वेष करोगे, किससे प्यार करोगे, ये होगी ज्ञान की बात। तो यह जो धारणा है आध्यात्मिक साधना या मेडिटेशन, ये केवल आधे घंटे बैठ करके आंख बंद कर सो गए वो नहीं होती। जगत में व्यवहार के समय समत्व, उसके बाद सभी के प्रति विचार करते समय समत्व, नमे द्वेषोस्ति न प्रिया, राग द्वेष मन के स्तर पर होता है। और कैसा होता है, जो हमको मदद करता है वो अच्छा है, जो नहीं करता वो बुरा है। और बुद्धि के स्तर पर जब आए तब आपने ये पाई आर स्क्वायर को पकड़ लेना। देखो इस प्रकार से इस मंत्र को समझना है। सर्वत्र भैरवो भाव सामान्येषु अपि गोचरः, सभी में वही तत्व प्रकट हो रहा है, नहीं वही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। सभी में बिजली प्रकट हो रही है और बिजली सब में प्रकट हो रही है, इसमें क्या फर्क है? जब हम कहेंगे सभी में बिजली प्रकट हो रही है तो हमारा ध्यान अनेकता के तरफ है, जब हम कहेंगे बिजली ही सब में प्रकट हो रही है तब हमारा ध्यान तत्व के तरफ है। तो सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येषु अपि गोचरः, इसी को लेकर के पहले हमको बताया था, किंचित् निर्या स्मृता शुद्धि सा शुद्धि शंभु दर्शने न। तो इस तत्व में जो बताते, जैसे दो प्रकार के महात्मा होते हैं, हम लोग जो है वो बिलोंग करते हैं आचार्य परंपरा के, उसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था का आदर किया जाता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितु। वर्णाश्रम व्यवस्था माने क्या, वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो जब तक हमने अपने आप को वर्णाश्रम व्यवस्था में स्वीकार किया है तब तक के हम पर नियम लागू हो गए। जब तक के आप कार चलाओगे तब तक के आप पर ट्रैफिक के रूल लागू हो गए। यदि आप पैदल जा रहे हो घूमने कहीं, पुलिस ने रोका, रुको क्या चलाओ, ले रो किसकी गाड़ी, क्यों नहीं चला रहे, गाड़ी चलाने की चलाओ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, देखो महाराज ये बातें बड़ी सिंपल है, कठिन नहीं है। तो जो गाड़ी नहीं चलाता उस पर गाड़ी के नियम लागू नहीं होते। इसी प्रकार से जब तक हमने अपने आप को ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के रूप में स्वीकार किया है तब तक के वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना है। और जो इसके परे चले गए, जो अवधूत मार्ग के होते सिद्ध मार्ग के, इसीलिए देखेंगे आप सिद्ध मार्ग में कोई जरूरत नहीं कि आपकी शादी हुई हो या ना हुआ, कोई जरूरत नहीं कि आपका डाइवोर्स हो गया कि नहीं हो गया, कोई जरूरत नहीं कि आप ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कोई जरूरत नहीं कि आप संन्यास लिया नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस वर्णाश्रम व्यवस्था से अलग कर लिया। इसीलिए उनके लिए सुबह उठ करके नहाओ या न नहाओ कोई बात नहीं। एक बार हम थे इन लोगों के बीच में जो अघोरी पंथ के लोग होते हैं ना, उनके बीच में थे, और उनकी साधना रात को होती है, दिन भर सोते हैं वो। हम लोगों जैसी अघोरी है, घोर माने भयानक, अघोरी माने भयानक नहीं, शांत होते हैं वो। तो वो
उनका हम बैठे थे उनके बीच में और शुरू हो गया उनका. पहले कुछ बोले, कोई भजन गाया, कोई कोई डफली बजाने लगा, फिर उनके हुक्का शुरू हो गया, फिर ड्रिंक शुरू हो गई, खाना शुरू हो गया और हम शांत बैठे. 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे हम बैठे. उसमें से जो बुढ़ाऊ था, सब काले कपड़े पहने हुए और सबकी शांभवी मुद्रा, पीने के बाद शांभवी मुद्रा हो जाती. फिर आकर के मेरे पास आ गए, बैठे और मेरे दोनों घुटनों पर हाथ लगे. बंगाली थे. महाराज वशाय. हाँ जी, आपकी बैठक पक्की है? मैंने कहा हाँ यार, ठीक लगाया. बोले नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ आपको, यहाँ सब तूफान चल रहा है और आप जो की त्यों बैठे. बोले मैं ज्वाइन हो जाऊँ क्या? बोले नहीं नहीं हम नहीं कहते आपको ज्वाइन हो जाओ. देखो, हमको किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही अपनी साधना है. किसी ने अच्छा कहा मानने लगे. देखो सभी लोग मुझे अच्छा कह दे, अरे सभी लोग तुमको बेवकूफ बना रहे. किसी के सर्टिफिकेट की हमको कोई आवश्यकता नहीं तो व्यक्ति केवल अनेक प्रकार का श्रृंगार करके उसी में लगा रहता है. नहीं, हम जो है ना, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम सुबह में जब तक के नहाते नहीं ठंडे पानी से, हम गर्म पानी से नहीं नहाते, उसमें कौन सी तारीफ है? वहां भी मैं हो जाता है. अपने आप को सबसे अलग करना यहां अध्यात्म नहीं है. देखो, इसीलिए सर्वत्र भैरवो भाव तान सामान्यु अपि गोचर न च तद व्यतिरेकेण परहा अस्ति इति अद्वयागति. इससे बढ़ करके और कोई भी अद्वय की स्थिति नहीं है. अब ये स्थिति में आने के बाद भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की विचार देखो. वो कहते हैं कि ये जगत में से भाग के जाने की क्या जरूरत है, रहो जगत में. और उसका वो एक उदाहरण देते हैं. कहते हैं कि यदि द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज नॉट लॉस्ट एंड इफ यू गेट द डिविडेंड्स ऑफ द जॉय, व्हाई नॉट? अद्वैत में रहना, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि द्वैत से तिरस्कार हो. फिर सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तब परमात्मा ही है. ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृदक कस्य सिद्धनम. ये दृष्टि में परिवर्तन लाना, यही सत्संग का तात्पर्य है. सत्संग में क्या होता है, हमारी जो अनेक धारणाएं हैं, उन सभी धारणाओं पर प्रहार होता है. देखो, हमारे शंकराचार्य भगवान का जो ग्रंथ है भजो गोविंदम, उसका एक दूसरा नाम है, उसका नाम है मोह मुद्गल. मोह पर प्रहार करने वाला जो शस्त्र, उसको कहते मुद्गर. ये जो पहले जमाने में जो ये होते थे पहलवान लोग, बड़ी हेवी लकड़ी का बना करके ऐसा उठा कर घुमा, उसको कहते मुद्गर. कल्पना करो, मोह पर एक मार दिया तो खत्म. इसी प्रकार से सत्संग में जब आते हैं, हम में कितनी गलत फहमियां बैठी हुई है. पहली गलत फहमी, मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं. दूसरी गलत फहमी, मैं लकी हूं मैं अनलकी हूं. तीसरी गलत फहमी, मैं बहुत साधना करता हूं. चौथी, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद करो कि मैं परमात्मा को पा पाऊंगा. ये सब गलत फहमियां है. आपको सच्चा समझना है
आपको अध्यात्म में कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि इतनी भी उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति, इसमें इतना भी कुछ गलती करो आप, कौन सी गलती कि अध्यात्म में चलने से अमुक अमुक अच्छा होगा, तो आपका सत्यानाश हो गया ऑलरेडी, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो है वो प्रकट होना है। हम थक गए दिन भर काम करके, घर आए, खाना खुना खाया, बिस्तर बनाया, बिस्तर पर लेट गए, थोड़ी देर तक आनंद आता है बिस्तर का, रिलैक्स हो गए, अभी भी हम संसार में ही है। और वो बिस्तर पर लेटे हुए इधर से उधर, उसमें भी आदमी थक जाता है, और फिर उसका भी त्याग, कितना भी एक्सपेंसिव बेड हो, कितना भी बढ़िया एसी हो, कितना भी सब कुछ ठीक हो, थोड़े समय के बाद उसका भी त्याग हो जाता है, और असली गहरी नींद में हमको कुछ नहीं मिलता। बर्फ जब समुद्र में या पानी में गिरता है तो बर्फ को क्या मिलता है? नाम रूप का त्याग। जब गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। देखो संतो, जब तक ये धारणा मन में है ना, हमने इतना भगवान का नाम लिया कुछ नहीं मिला, किसको कुछ नहीं मिला, केवल दो ही बातें पूरी साधना का तात्पर्य है। जब तक अपने आप को परिच्छिन्न मानेंगे और जगत को अन्य मानेंगे तब तक के आप संसारी हो, जब तक के हम अपने को देह के अंदर मानेंगे, दुनिया को देह के बाहर मानेंगे, तब तक के संसार है। तो पहले संसारी, फिर दूसरा संसार, और तीसरी बात, जब यह अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया तो ना संसार है ना संसारी है। और इसीलिए जो अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं वो शांत हो जाते हैं। शांत माने ये नहीं मुंह फुलाए बैठे, शांत माने उनके जीवन में वैसा ही अनुभव जैसा आकाश सभी महाभूतों को आधार देता है, इन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अनुभव। दर्पण सभी को प्रकाश प्रतिबिंबित करता है, किसी को पकड़ के नहीं रखता, वो अनुभव। इसको आप शब्दों में नहीं ग्रहण बोल सकते, नहीं तो अपना तबला पेटी के लिए शुरू हो गया, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। देखो महाराज, तबला पेटी ठीक है टाइम पास करने के लिए, लेकिन उसे निकलता कुछ नहीं। इस प्रकार से अपनी ये जो गलत धारणाएं हैं उनको हमको हटाना, इसीलिए ध्यान का अभ्यास है। तो न च तद व्यतिरेकेण परः अस्ति इति अद्वयागति, इसको छोड़ करके और कोई भी नहीं है जिसको आप शब्दों में कहो गॉड रियलाइजेशन, भगवान का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष, निर्वाण, जो शब्द कह लो कोई मतलब नहीं उसका। यहां सच्चिदानंद ये शब्द भी परमात्मा को गाली है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज की अमृतानुभव पढ़ो आप, हिल जाओगे। जिसको पकड़ के रखा था आज तक के निकल जाता है। तो न च तद व्यतिरेकेण परो अस्ति अद्वयागति। अच्छा महाराज आगे कहते हैं, समशत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः ब्रह्मणः पूर्ण परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्।
छठवें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कृष्ण ने परमात्मा के अनुभूति का वर्णन किया है। एग्जैक्टली यही प्रकार के शब्द है। वहां कहते हैं गीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। गीतात्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है, किसे जीत लिया है? शीत उष्ण सुख दुखेषु, जीवन में आने वाले द्वंद्व का अनुभव हो रहा है, ठंड भी है, गर्मी भी है, सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके द्वारा उसके मन पर कहीं खरोच नहीं आती। और हम लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। आपको कुछ सीखना है ना, हम आपको एक आदर्श बताते हैं, किससे सीखना है? अपने पॉलिटिशियन। जेल में जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे, हाथी पर बैठ के निकलेंगे। तो दुनिया में रहना है बेशरम होकर के रहना। चितात्मना, मन पर कोई भी खरोच नहीं। और दूसरी बात, मानापमानयो हो, ये दो ही प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। जगत हमारे जीवन में आता है ये द्वंद्वों के माध्यम से। यही बात 15वें अध्याय में साधना के पक्ष में भगवान कहते हैं। वहां कहते हैं निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुःख संयोगैः। ये द्वंद्व से मुक्त कैसे होना है? जैसे हम रात और दिन, ये द्वंद्व है ना, इन द्वंद्व से कैसे मुक्त होते हैं? स्वीकार करते हैं, अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। दिन आया तो सो जाओ, रात आया तो शुरू हो जाओ। और फिर रात को दिन निर्माण कर लेते हैं बिजली लगा करके, झगड़ा नहीं करते। तो द्वंद्व से परे जाना माने अपने आप को 100% एडजस्ट करना। जो व्यक्ति अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता वो कहीं भी फिट नहीं होता, और जो एडजस्ट कर सकता है हर जगह फिट हो जाता है। तो जहां जहां हमको लगा कि हमको यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, गड़बड़ी है, तो आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, एडजस्ट करो। तो समशत्रु च मित्रे च, दोस्त दुश्मन, ये केवल अपने मन की कल्पना होती है। कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ये केवल मन का खेल है। और मन कैसे करता है कि अमुक अमुक बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे पता चला? मुझे मेरा काम कर दिया, अच्छा इसलिए अच्छा है। हमारी अच्छाई बुराई की परिभाषा इसी प्रकार से, और कुछ नहीं है। इससे निकलना है, द्वंद्वों से कैसे निकले? एक हमारी लड़की थी, उसको मेरे साथ आना था कहीं दूसरे देश में। तो उसने पूछा, स्वामी जी क्या करना पड़ता है? मैं पासपोर्ट बनाओ पहले। तो बात हो रही थी तो वहां एक सज्जन बैठे थे। स्वामी जी मैं इसका बनवा दूंगा, आप फिक्र मत करना। ठीक है, कर, मैं इसके पीछे लगे रहूं। उसने उस लड़के को 4 बार 5 बार चक्कर लगवाए, कुछ नहीं किया। फिर वो बेचारे दुखी हो गए मेरे पास, स्वामी जी वो आदमी बहुत खराब है, हमें शांत हो जाओ पहले। ये बात कभी मत भूलना जीवन में, अपने मन की शांति सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया गई भाड़ में, अपने मन के साथ मत खेलो। तब हम अध्यात्म में है। नहीं तो किसी ने कहा, स्वामी जी कौवा आपका कान काट के ले गया, दौड़ रहे कौवे के पीछे, देख तो लो रहे अभी। देखो
डोंट गेट इन्फ्लुएंस। और इसके लिए हमने आपको सिंपल बात बताई है, जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने महात्मा आके चले गए, हम असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः, वी आर ए चैलेंज टू द महात्मा, हूं तुसी भी आ जाओ ट्राई करो महाराज। तो कोई कठिन बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रयत्न करो वैसे वैसे ये जो सुख दुख इत्यादि ये लाभ हानि, इसके प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो जब हमने ये निर्णय ले लिया है कि हमको अपने मन के संतुलन को टिका के रखना है, तो शीत उष्ण सुख दुखेशो ये ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करो। ये जितनी हमारी एडजस्ट करने की क्षमता है वो सब मेडिटेशन। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, तो वो जो कन्या ने हमको कहा कि स्वामी जी आदमी बहुत खराब है और मेरा काम नहीं कर रहा, हमने कहा पहली बात समझ लो, तुम यहाँ जो आई हो जगत में ऐसे बनो कि आपके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। कब होगा परमात्मा प्रकट? जब आप खाली हो जाओ तब ना, अपने आप को मिटा दो। तो कैसे मिटाए? पहला सिद्धांत मैंने उस कन्या को बताया था, पहला सिद्धांत, इस जगत में हमारा किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है। अब हम लोग यहां आकर के सत्संग करते हैं हमारे सुरेश जी के कृपा से। अब बताइए इस इंस्टीट्यूट पर मेरा या आपका क्या अधिकार है? वह है अधिकार। देखो इसी प्रकार से इस दुनिया में हम जो आए हैं, ये पंच महाभौतिक सृष्टि हमको सब कुछ दे रही है, हमारा क्या अधिकार है इस पर? जिस दिन हम अपने अधिकारों का त्याग कर देंगे उसी दिन एक साधक का जन्म हो गया। फिर साधक के लिए क्या है, अधिकार की बात नहीं करते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, हम बात करेंगे अपने कर्तव्य की, अधिकारों की नहीं। तो हमारे कर्तव्य क्या है, इसको निर्णय लेगा? हम नहीं लेंगे, निर्णय लेंगे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, हमारे क्या अधिकार है ये शास्त्र निर्णय लेते हैं, और उस शास्त्र के निर्णय के अनुसार चलो। तो जब तक के हमको इस दुनिया में रहना है तब तक के यहाँ के नियमों का पालन करना आवश्यक है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, नहीं तो अवधूत बनो, चले जाओ कहीं भी, कोई फिक्र ही नहीं किसी बात की, हाई हिम्मत जाओ, नथिंग रॉन्ग। देखो इसीलिए समशत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयो हो। तो दुनिया हमारे जीवन में दो प्रकार से आती है, एक तो जगत ये राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व के रूप में आता है, और दूसरा दुनिया हमारे जीवन में आती है मान अपमान के रूप में। आज के कार्यक्रम के ये मुख्य अतिथि है धन्यवाद, लेकिन ऑडियंस तो कोई है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। एक हमें बात देती है, और ये तब हो पाएगा दोनों बातें, इसके लिए हमने जो आपको टेक्निक बताई थी, अपने जीवन का हर एक अनुभव अपनी आध्यात्मिक परीक्षा है। एवरी इवेंट ऑफ आवर लाइफ इज अवर स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। नहीं तो हमारे जैसे बाबा जी लोग बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। और कोई लेट आता है, कोई बीच में से उठ के जाता है, इनका नरसिंह राव गारू आ गया, गुस्सा आ गया। और अभी अभी क्या कहा था,
ये काम क्रोध लोभ ये नरक के दरवाजे हैं, माने अब इसके बाद मैं नरक जा रहा हूं। देखो संतो, ये बातें इतनी सहज है, इतनी सरल है, और ये तब होगी जब आपका ध्यान आपके मन के स्थिति पर है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है, और महात्मा लोग कभी दुखी नहीं होते क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। दो चीजों को पकड़ो, किसी को भी खुश करने का प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, उन्होंने मुझे बताया, यार मैंने बहुत ट्राई किया, कोई खुश होता ही नहीं। देखो, और किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। ये दो बातों को अपने में देखो, तब ये बातें समझ में आती है। समय शत्रु च मित्रे च समो मानाप मानयो ब्रह्मण परिपूर्णत्वात्। कारण क्या है, जो परिपूर्ण है इसमें ही ये दो संभव है। हम परिपूर्ण कब होते हैं, सुषुप्त अवस्था में। इसीलिए गहरी नींद में ना शत्रु है ना मित्र है, ना मान है ना अपमान है, क्योंकि वहां परिच्छिन्नता की भ्रांति नहीं है। देखो ये जो स्टेप्स है ना, इसको सूक्ष्मता से ग्रहण करो ना, बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। दिन भर हमने अच्छे बुरे काम किए, थक गए, थकने के बाद जाके बिस्तर पर लेट गए, तो बिस्तर में सोने का थोड़ी देर आनंद। यहां तक के संसार ही है, ये जीव ही है। तो जीव जिसको आनंद का भोग करता है वह विषयानंद है या वो वासनानंद है? विषयानंद कौन सा है? नींद में प्रवेश करने के पहले बिस्तर पर लेटे हैं और बड़ी खुमारी आ रही, मजा आ रहा है, वो है विषयानंद। और वासनानंद क्या है? बढ़िया नींद हो गई, सुबह उठे नहीं और दो मिनट। तो वो नींद में जो मजा आया था, आनंद था, उसको थोड़ी देर तक और हम चखना चाहते हैं। जैसे ये आमरस बनाने के बाद उंगलियां चखते, तो एक हो गया विषयानंद नींद के पहले, नींद के बाद वासनानंद, और इन बिटवीन क्या है? ब्रह्मानंद। देखो ब्रह्मानंद में विषयों की आवश्यकता नहीं, वासना की अपेक्षा नहीं। अब ध्यान से सुनना, तो ये जो ब्रह्मानंद किसका था, किसको था? तो पहले उसके लिए हमको जीव को समझना पड़ेगा। जीव क्या है? परमात्मा की पंचकोशों से अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। तो तीन बातें होगी, परमात्मा, पंचकोश, और उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति, जैसे हमारा चेहरा, दर्पण, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब, तीनों को मिला करके जो है उसको कहते जीव। तो जब हम आगे थक करके बिस्तर पर लेटे, तो कौन ले रहा है आनंद वहां का, विषय का, बढ़िया बिस्तर का? वो है विषय आनंद। और फिर उसमें भी बोर हो जाता है आदमी। फिर अब ध्यान से सुनना, अब ये जो परमात्मा पंचकोश का तादात्म्य और उस तादात्म्य में परमात्मा की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति, ये तीनों में से ध्यान से सुनना, परमात्मा सत्य है, पंचकोश और पंचकोशों में परमात्मा की अभिव्यक्ति, यह प्रकृति का क्षेत्र है। तो ये पंचकोश और वो परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति, ये प्रकृति में सीमित वापस चली गई, और परमात्मा प्रकृति से अलग होकर के स्वतंत्र है। इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। यही बात यहां कहते हैं,
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। तो हमारी सुषुप्ति अवस्था के जो आनंद है ये तीन प्रकार से समझने हैं। नींद को प्रारंभ होने के पहले विषयानंद, नींद से जगने के बाद वासनानंद, और जब गहरी नींद में असली नींद में होते हैं तब ब्रह्मानंद। इसीलिए जब बहुत बढ़िया नींद हो जाती है रात को, सुबह उठो कितने फ्रेश है अपने फोन की बैटरी के जैसे, रात भर चार्जिंग को लगा दिया पूरी परिपूर्ण पूरी चार्ज हो गई 100%। फिर दिन भर व्हाट्सएप करते रहो, अंग्रेजी भाषा में हमने आपको बताया था अनेक अल्फाबेट्स हैं, उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक अल्फाबेट है W, वेल्थ, वर्ल्ड, वाइन, वुमन, वाइफ, व्हाट्सएप, उसी में फंसे। इसी प्रकार से रात को बढ़िया सोए, एकदम फ्रेश हो गए परमात्मा के साथ, जगे फिर वही तंबाकू वही चूना शुरू हो गया। अरे यार शांत रहो ना। तो जो व्यक्ति अपने गहरी नींद के आनंद को जागृत अवस्था में व्यक्त कर सकता है जगते हुए सोते हुए नहीं, उसका वर्णन आता है भगवद गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो अपने स्वरूप में जग गया है उसके लिए ये द्वैत की प्रतीति को कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। तो हमको केवल इतना समझना है, जैसे दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब अपने में लगाओ शुरू करो, आंखें सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, प्रभावित नहीं होती, कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं प्रभावित नहीं होते, मन सुख दुख के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करता है, मन ज्यों का त्यों है, बुद्धि में सभी ज्ञान अज्ञान है बुद्धि ज्यों का त्यों है, चेतना के लिए स्त्री पुरुष पशु पक्षी प्राणी कोई भेद नहीं है, और ये चेतना जिसकी है वो परमात्मा की शक्ति एक ही है, और यह परमात्मा की शक्ति परमात्मा की सेवा नहीं हो सकती, यह अपना स्वरूप है। अब करना क्या है मुझे बताओ। एक करने का जो रोग है ना, इससे अपने आप को बचा, समस्त शत्रुओं च मित्रे च समो मानव मानयो हो ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा। भगवद गीता कहती है इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यहाँ वही कहते हैं इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। जब तक हम अपने स्वरूप में वापस लौट के नहीं आते तब तक के ये संसार चलता रहे। हमको परमात्मा को पाना नहीं है, हमको स्वयं को खोना है। परमात्मा को खोजो मत, खो जाओ परमात्मा में। परमात्मा में खोने के दो उपाय हैं, एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में फिर दो भाग हो गए, एक है उपासना जो बहिरंग है, और भक्ति जो अंतरंग है। धीरे 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 ये बातें जैसी जैसी खुल जाती है अपने ज्ञान में, तब आप देखेंगे कि ज्ञान की पराकाष्ठा को ही भक्ति कहते हैं, और भक्ति की परिपक्वता को ही ज्ञान कहते हैं। ये दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि भक्ति में मैं को मिटाते हैं और ज्ञान में मैं को पहचानते हैं। कुछ भी करो, चाहे आप चक्कू को एप्पल पर मारो या एप्पल पर चक्कू को मारो, परिणाम एक ही होगा, अलग नहीं होगा।
इस प्रकार से ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। तो अपनी एक साधना नित्य निरंतर चलती रहे और वो ये है कि हमको अपने जीवन के हर एक अनुभव से नित्य निरंतर सीखना है। केवल इतना ही करो, मैंने बताया है लेकिन आप कभी किए नहीं, बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया कॉपी बनाओ और उस पर लिख दो ऊपर, आज मैंने क्या सीखा। रोज पूरा दिन जाने के बाद, पूरे दिन में एक भी बात नहीं सीख सकता आदमी, एकाध तो सीखो। बुढ़ाओ लोगों को बुढ़ापे से बचने का ये उपाय है। बुढ़ापे के क्या लक्षण है, बुढ़ापे के लक्षण है अब मैं सीख के क्या करूंगा, तो लोग खुश होते, चलो मर रहा बुढ़ा, मरता भी नहीं। बच्चा कैसा होता है, ही इज कॉन्स्टेंटली इन ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो जानना चाहता है ये क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। उसी प्रकार से अपने आप में ये जो बच्चा है, बालक है, उसको मरने मत दो, सीखो, कुछ ना कुछ नई बात रोज सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले दिन लिखे, दूसरे दिन डिटो 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 ऐसे नहीं, रोज कोई नई बात सीखनी है। देखो महाराज, क्लिक कर दिया, कॉपी पेस्ट हो गया, 365 दिन के एक ही क्षण में सीख लिया। रोज एक नई बात सीखो और ऐसे करते करते फिर आपको पता चलेगा आपने कितना सीखा है। लेकिन उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मत डालना, मैं ये लोगों से ज्ञान पा पा करके मैं पागल हो रहा हूं। सबसे बढ़िया बात है, हमारे जो डेली मैसेज होते हैं ना, वही मेरे पास 40 बार आते हैं। इसीलिए मैं सभी ग्रुप से हटना चाहता हूं, वो भी नहीं हटने देते, नहीं स्वामी जी आप रहो अच्छा लगता है। अरे इस प्रकार से जैसे जैसे सूक्ष्मता से हम अपने जीवन में सीखना, यही अध्यात्म है, ये बात जब पकड़ लेंगे तो आप 24 घंटे ध्यानमय जीवन जी रहे। नहीं तो हमारे लिए आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, नो। और ऐसा ही व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है। न द्वेषम भावयेत क्वापि, न रागम भावयेत क्वचित, राग द्वेष विनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसरपति। अब ये 101 भी धारणा है, कहते हैं न द्वेषम भावयेत क्वापि, किसी के भी प्रति मन में द्वेष नहीं है। देखो आगे कहते हैं न रागम भावयेत क्वचित, किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं है। दो चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना, राग और द्वेष। राग वह प्रेम है जिसमें हम बंधे रहते हैं। और यदि अयोग्य परिस्थिति आई तो राग का त्याग हो जाता है। तो जिस प्रेम का त्याग हो सकता है वह आसक्ति है, इसीलिए जा सकती है। देखो, हमारा बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होता, आसक्ति होती है। देखो ये माँ बाप लोगों को, जब बच्चा छोटा रहता है 24 घंटे उसी के गुड्डू 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 के बात हो रही है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा और उसके सद्गुण बाहर आने लग गए। मैं दुर्गुण क्यों कहूं, सद्गुण बाहर आने लग गए तो फिर ये माँ बाप का देखो। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऐसा निकलेगा। कितनी कल्पनाएं होती है। कहां की बात है, देहरादून की एक
पति पत्नी थे, टीचर दोनों, बड़ा उनका बंगला और चारों तरफ काफी बड़ा कंपाउंड, उसमें लीची के पेड़ थे, 50 पेड़ हो गए, ज्यादा हो गए। उनका इकलौता बेटा, उसका नाम अशोक था, बहुत पुरानी बात है। और ये दोनों टीचर, वो पत्नी तो अभी टीचर थी, पति रिटायर हो गए थे, पता नहीं क्या थे। जब से मैं गया उनके घर में, सुबह से शाम जैसे रामायण होता है वैसे अशोक आए, हमारा लड़का ऐसा है वैसा है, ये कभी उधर देखता नहीं उधर देखता नहीं, अंधा होके चलता है। अभी वो यूके में गया है, वहां वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा है। और रोज सुन सुन के आदमी रामायण सुन के बोर होता है, इसके सुन के कितना बोर होगा। तो रामायण का सौंदर्य किसमें है, राम में नहीं है, रावण में है। यदि रावण नहीं है रामायण में तो रामायण की मजा होगा कोई? इसी प्रकार से उनके भी जीवन में रावण आ गया। फिर दूसरे तीसरे दिन जब हम ब्रेकफास्ट के लिए गए तो मैं नौकर से पूछा, बाबूजी नहीं आ रहे? बोले नहीं, उन्होंने बताया आप ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया। लंच के लिए फिर भी नहीं आए, डिनर के लिए फिर भी नहीं आए, तो पता नहीं क्या गड़बड़ी के बाहर तो नहीं गए, अपने को क्या खाना मिलता है ना, फॉरगेट। किसी के जीवन में दखल कभी मत लेना, दुनिया जाए बाढ़ में, पेट खाना जाए पेट में, सुखी रहोगे? क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे यार, मारो गोली क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू गेट फूड यू आर हैप्पी। दूसरे दिन सुबह में वो नौकर ने कहा कि अभी वो ब्रेकफास्ट को नहीं, लंच को आएंगे आपके साथ। ठीक है, लंच को आए, दोनों की आंखें लाल लाल फूली हुई। तो हमने क्या कुछ इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, दोनों की आंखें लाल लाल हो गई। तो स्वामी जी फिर वही गंगा यमुना सरस्वती शुरू हो गई, शुरू हो गया। स्वामी जी अशोक का फोन आया था, तो मुझे खुशी थी वो मरा नहीं, तो उसका फोन आया था। यहां से अकेला गया था तो अब उसका फोन आया, हम आ रहे हैं। एक वचन गया और बहुवचन आ रहा, बहुवचन माने बहू को लेकर आ रहा है। हम बताया क्या करें, हमने कहा उसको स्वीकार, उसको रिसेप्शन दो। स्वामी जी इतनी ही बात नहीं, फिर क्या, वो वहीं सेटल होना चाहता है। फिर शुरू हो गया, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसी के लिए मैंने रखी। जहां भी हम जाते थे कोई भी लड़की देखते अपने अशोक के लिए अच्छी होगी, नहीं ये थोड़ी लंबी है, थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उसको डिसराड़ी उसको, ये ठीक है लेकिन इसके कलर में मैच नहीं हो रही है, ये ठीक नहीं है। जहां जाते थे एक ही चिंतन, मेरे अशोक के लिए कोई एक रानी मिल जाए। अब वो मड्डम के साथ वहां रहना चाहता है, अब मैं क्या करूं बताओ। हमने कहा आपकी समस्या मैं समझ गया, ये प्रॉपर्टी घर मेरे नाम कर दो। सर्वभूत ही दे रहता महाराज। प्रेम में दुख नहीं होता, आसक्ति में सुख नहीं होता। यदि आप प्रेम के कारण दुखी हो रहे हो वो प्रेम नहीं है। देखो हमारा अपने से जो शुद्ध प्रेम होता है उसके कारण दुखी नहीं होते। ऑन द कॉन्ट्री, इस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं तेजी से। जिस प्रेम में दुख का अंश भी है वो आसक्ति है, और आसक्ति होती है हमेशा जो परिच्छिन्न वस्तु है उससे, परिपूर्ण से आसक्ति नहीं हो सकती। देखो अपने को अपने घर से आसक्ति हो सकती है, आकाश से आसक्ति होती है, अपने बिस्लेरी बोतल से आसक्ति हो सकती है, समुद्र से होती है। देखो तो जब प्रेम का विषय परिच्छिन्न है उसको आसक्ति कहते हैं,
अब प्रेम का विषय परिपूर्ण है उसको भक्ति कहते हैं। तो आसक्ति जा सकती, भक्ति भागती नहीं, टिकी रहती है। इस स्वरूप को पहचानना, ये है इस ध्यान का अभ्यास। सो न द्वेषम भावयेत क्वापि, न रागम भावयेत क्वचित। तो राग आसक्ति प्रेम इसको स्पष्ट समझे तब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। अब द्वेष की बात जो है हम कल के लिए छोड़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।